ये जो मेरा पॉलिटिकल जर्नी रहा है, मैंने अपने लिए कुछ मांगा नहीं है। मैंने अपने लिए एक पोस्ट नहीं मांगा, एक पद नहीं मांगा, हमने कुछ नहीं मांगा। हमने सिर्फ अपने तिपरासा लोगों के लिए, जो ST लोग हैं, जो जनजाति त्रिपुरा का, उनके लिए हमने कुछ मांगा है। अगर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देना चाहती है तो वो उनका डिसीजन, अगर वो देंगे तो हम वेलकम करेंगे, अगर नहीं देंगे तो हम ऑपोजिशन में हैं और हम जानते हैं कि ऑपोजिशन क्या कर सकता है त्रिपुरा में, तो हम ऑपोजिशन का काम करेंगे। 27 तारीख लास्ट डेट था, अभी तक नहीं हुआ, क्या बोलना चाहिए? ये सवाल आप होम मिनिस्टर से पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मैं वही कह सकता हूँ जो मुझे कहा गया था, मैं अपने लाइन में हूँ, जो मुझे बोला गया था। अब अगर उनको कुछ करना है तो हम वेट करेंगे, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो हम भी अपने MLA MDC से बात करके आने वाले दिन में हमको क्या करना है उसके बारे में। आपने 24 घंटे का अल्टीमेट दिया था और आप स्ट्राइक पे जाने वाले थे। आपको मैं एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक अपने लिए कुछ डिमांड नहीं की। मैंने जो भी डिमांड किया है अपने त्रिपुरा के जनजातियों के लिए डिमांड किया। अगर उनको लगता है कि त्रिपुरा का जनजाति को कुछ मिलना चाहिए तब एक्ट कीजिए। अगर उनको लगता है कि त्रिपुरा का जनजाति खुशी है तब हम अपना, हमारा व्यू अलग है, हम अपना जो हमें जो करना है वो हम करेंगे। तो बात क्लियर है। आपने जो आप एक ही ये सवाल नहीं, आप देश के होम मिनिस्टर से पूछ लीजिए। मैंने मुझे जो बोलना था मैंने बोल दिया। अब मैं अपने MLA MDC से बात करूँगा। दिल्ली से मुझे बहुत फ़ोन कॉल आया है अभी तक, लेकिन जब तक मैं अपने MLA MDC और अपने सपोर्टर्स के साथ बात नहीं करूँगा, अभी मैं मीडिया को कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। तो आपका जो हंगर स्ट्राइक का जो स्ट्रेंथ था उसमें रहेंगे क्या? दिल्ली से बहुत फ़ोन कॉल आया है। अगर आपको भी मेरे संग हंगर स्ट्राइक में ज्वाइन करना है तो यू आर मोस्ट वेलकम।